हलचल टीवी न्यूज। पंजाब के कई प्राइवेट स्कूलों की तरफ से कई सालों से री एडमिशन फीस, कॉपियां, किताबें, स्कूल थैला, वर्दियां और स्टेशनरी के अलावा लगातार फीसों में विस्तार किया जा रहा है, जिसके विरोध में राज्य भर के प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ विद्यार्थियों के माता पिता की तरफ से मोर्चा खोल रखा है। चाहे माननीय हाईकोर्ट की तरफ से सख्त हिदायतें जारी की गई हैं कि प्राइवेट स्कूल अपनी लूट मार बंद करने, परंतु हाईकोर्ट के हुक्मों के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल शरेआम लूट रहे हैं, जिसके अंतर्गत नाभा के विद्यार्थियों के माता पिता की तरफ से एक विशेष मुहिम चलाई हुई है, जिसका नाम है जागो। इस मुहिम के अंतर्गत माता पिता सभी स्कूल में जाकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को मुख्य रखते हुए नाभा प्रशासन भी हरकत में आ गया है और आज सभी ही प्राइवेट स्कूलों के मुख्याध्यापकों के साथ मीटिंग तहसीलदार सराजदीन और डिप्टी डीओ संजीव शर्मा की तरफ से सख्त हिदायतें पेश की गई हैं। इस मौके पर तहसीलदार सराजदीन अहमद ने चैनल की टीम के साथ बात करते हुए कहा कि हम सभी ही प्राइवेट स्कूलों के मुख्याध्यापकों के साथ हम मीटिंग की है। यदि विद्यार्थियों की तरफ से अधिक फीस लेने की या किसी भी तरह की शिकायत आई तो स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने पेरेंट्स वालों से शिकायत मिली सी भी स्कूलों वाले वालों ज़्यादा फीसा वसूल की जा रही हैं। अज उन्होंने मीटिंग बुला के उन्होंने वार्न कर दिया गया और उन्होंने साफ स्पष्ट कहा गया भी जो भी थोड़ा मेमोरेंडम है और जो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू दैट तुम अपना काम करो। फिर असं कमेटी बना के बना के एस डी एम साहब ने इजाजत लैके उन्होंने चैकिंग करा उस तो बाद जो भी वह एक्शन होगा लिया जाऊगा जो उन्होंने आउटकम होगा वो मतलब अकॉर्डिंग टू दैट असं अपना एक्ट करा जी। मेन कंप्लेंट तो यही आ रही है भी स्कूलों के जोड़े हर साल ये अपनी फीस बढ़ा देंगे, हर साल बिल्डिंग फंड लै लेंगे, किताबों से ठोसया जा रहा भी किताबा उ लवो स्कूल चो। जो अच्छी इतने मीटिंग बुलाई गई थी एस डी एम नाभा ने डायरेक्शन दिखाई से परसों कि जिन्हें भी स्कूल प्राइवेट स्कूल या एडिड स्कूल्स ने इन थोड़ी फीसा वध लिया जा रही बुक्स की शिकायत सी कुछ स्कूलों से कि इतने वर्दियाँ स्कूल्स अपने लैवल से दे रहे हैं वो संबंध में सारे स्कूल्स की असी मीटिंग कॉल की सी जो भी सी बी एस ई या पी एस ई बी की गाइडलाइनस है असी इन्ह सारे ही प्रिंसीपल्स नू अज जाणू करवाना चाहते थे कि उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए ताकि कोई धरने मुजहरे जो चल रहे हैं जो पेरेंट्स एसोसीएशन जिहड़ियां इन्हां दे खिलाफ़ कोई धरना दे रही हैं तो उन्होंने आप खत्म कर सकी। देखो मैनू तो इतने जी बैठने ही बेकार लग रहा जब एक हाईकोर्ट के ऑर्डर हो चुके हैं कि आप री फीस ले ही नहीं सकते, जिहड़ा सिलेबस है वह हर साल चेंज नहीं हो सकता, जो स्कूल ने सिर्फ अपन किताबों बेचने लिए हर साल टाइटल चेंज करके किताबा बेचते हैं तो जो किताबा दोबारा कम ना सकन। इतने जी मेरे ख्याल के जो अफसर ने सारे फॉर्मैलिटी करने आए हैं, होर कुछ नहीं है इतने, ये बस अज का जी सा जो जनता का जो उबाल उठा हुआ उन्होंने मन जो दुखी होकर सारे सड़क पर उतरे ने उन्होंने सिर्फ बिठाने लिए इन्होंने एक मीटिंग की है कि ये कल बह जाएंगे पर असं बैठने वाले नहीं है, ये काम जिन्ना मर्जी लंबा चले असं लंबा लेके जावे। नाभा से हलचल टीवी के लिए कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।